हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और हम माय नंबर इज 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, यानी कि हमने सब पढ़ लिया था इंफॉर्मेशन की फाइनल हर सिस्टम्स की ऑडिट करने से पहले, जो फाइनल हमारा मॉड्यूल है हर सिस्टम्स की ऑडिट करता है, उससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के कुछ बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हम पहुंचे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और हमारी स्टडी कहती है कि तीन की पिलर होते हैं इफेक्टिव आईटी डिप्लॉयमेंट के, पर्सन यानी इम्प्लॉइज, ये हम पीपल कह सकते हैं, प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी, यानी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन की पिलर्स होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं जिसमें मकान होगा। वैसे चार पिलर होते हैं मकान उठाने के लिए, लेकिन तीन की पिलर्स हैं आईटी डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आईटी डिप्लॉय करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटी क्या है, बेसिकली टेक्नोलॉजी है। प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करना, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग 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 प्रोसेसेस होते हैं, और फिर आदमी, ह्यूमन बीइंग। तो अगर मान ले सपोज टेक्नोलॉजी है, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम शॉर्टन कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नई प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, सब प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आदमी को ट्रेन करना और मैनेज करना। टेक्नोलॉजी तो एक बार प्रोसेस बना दिया आपने, टेक्नोलॉजी बन गई, तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप काम करने लगेगी, ऑटोमेशन है उसमें, ऑटोमेटेड काम करनी पड़ेगी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को आप एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको आपको कॉन्स्टेंटली ट्रेन करना पड़ेगा और सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको या प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस के मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको मिलें। उसके बाद हमारी स्टडी की आईटी एक्टिविटीज़ के बारे में कहती है, वो कहती है कि जॉब प्रोफाइल्स, कुछ जॉब प्रोफाइल्स दी उन्होंने, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप आईटी ऑडिटर के रूप में, तो ये पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं। तो इन जॉब पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल्स डेजिग्नेशंस के क्या मतलब है, उसको समझाने की कोशिश की गई और की आईटी एक्टिविटीज़ बताया गया है कि अंदर इसको क्लस्टर किया गया है। तो जॉब प्रोफाइल जो है, सबसे पहली बात तो है नेचर ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट स्टाइल, टाइप, एक्सटेंट ऑफ आईटी डिप्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल होती है। कई जगह पर कोई जो डेजिग्नेशन नेम या जो जॉब प्रोफाइल्स जो हैं उसके नाम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर वो स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट, अगर सिस्टम डेवलपर होगा या सिस्टम डेवलपमेंट होगा, तो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की होगी। हेल्प डेस्क सपोर्ट टीम होगी, तो वो आईटी यूज़र को हेल्प करेगी। अगर मान लीजिए सपोज कोई प्रॉब्लम हो गया, आपके पास हेल्प डेस्क होती है और उससे आप आईटी सपोर्ट, आईटी यूज़र्स को हेल्प करने के में फैसिलिटेट करते हैं। ऑपरेशंस है, ये सारे आईटी और रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद होता है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन जो है रिकॉर्ड करेगा, इश्यू करेगा, रिसिप्ट करेगा, मेंटेनेंस करेगा कंप्यूटर फाइल और डेटा का, यानी लाइब्रेरियन के पास कंप्यूटर फाइल्स और डेटा होंगे और उनको रिकॉर्ड, इशू, रिसिप्ट, मेंटेनेंस करेगा। लाइब्रेरियन जो है पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल टीवी कंपनी है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके टीवी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उस दिन के, उनको बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाई किया जाता है, आर्काइव्स बनाई जाती है। रेडियो स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर आर्काइव्स किए जाते हैं, सारे प्रोग्राम्स आर्काइव किए जाते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर फाइल्स और डेटा है उसको आर्काइव्स किए जाएंगे, उसको रखा जाएगा, वो लाइब्रेरियन करेगा। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर इनपुट करेंगे सिस्टम में। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एचआर की इन्फॉर्मेशन है तो एचआर इनपुट करेगा, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस इनपुट करेगा। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नेटवर्क का मेंटेनेंस करता है, सिस्टम का मेंटेनेंस करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का मेंटेनेंस करता है। उसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा। और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के अनुसार जो भी सिक्योरिटी है वो एम्प्लॉय करेगा। यानी कि सिक्योरिटी की जो बाइबल है, पॉलिसीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके अनुसार सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स होती हैं,
वो क्वालिटी एश्योर करती हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डिफाइन करना, मेंटेन करना इनका काम होता है। डेटाबेस में किस तरह से डेटा रखना है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा क्या है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेटा की बड़ी वैल्यू है, बैंक्स में डेटा की बड़ी वैल्यू है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, ये सिस्टम के एनालिस्ट होते हैं, यानी कि सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं यूज़र स्पेसिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग होती है, और ये न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो है नया सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। मतलब अगर कोई सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। मान लिया सपोज़ अगर पुराना सॉफ्टवेयर है, पेरोल है, या कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, 4MS है, कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, तो उसको फिर ये चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क को मैनेजमेंट करता है। नया सॉफ्टवेयर है, सॉरी, नेटवर्क मैनेजमेंट अगर कोई नया नेटवर्क है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड कंपोनेंटों से मैनेज करता है। नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क होगा तो केबल लाइंस होंगी, नेटवर्क होगा, नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, तो नेटवर्क मैनेजमेंट उसको नेटवर्क को मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस तरीके से रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रोल्स अगर आप डिफाइन करोगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी के हिसाब से आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करोगे, और हर एक की एक रिस्पॉन्स बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो हमारी स्टडी ने तीन पिलर्स, की पिलर्स बनाए आईटी डिप्लॉयमेंट के, यानी आईटी को अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, आईटी सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, आईटी प्रोसेसेस बनाना चाहते हैं, तो पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी थे। और फिर हमने की आईटी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। की आईटी एक्टिविटीज़ के बारे में ये पढ़ा कि जॉब प्रोफाइल पर्टिकुलर पर्सन की, मतलब आईटी में भी बड़ा स्पेशलाइजेशन है, अगर बड़ा कंपनी है तो उसमें बड़ा स्पेशलाइजेशन है, सिस्टम डेवलपमेंट है तो वो सिस्टम को डेवलप कर रहा होगा। ऐसा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में आईटी टीम्स अलग होती हैं, डेवलपमेंट टीम्स अलग होती हैं, डेवलपमेंट टीम्स में भी, आईटी टीम में भी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े डेटा होते हैं, डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा बंदे होते हैं जो ब्रांच ऑफिस में आईटी को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद कई बंदे होते हैं जो सिस्टम को बना रहे होते हैं, वेबसाइट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी स्टडी ने एक आइडिया देने की कोशिश की है कि किस टाइप के जॉब्स हो सकते हैं। आप ऑडिट के लिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं जो आप इनकाउंटर करोगे। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब अलग सिस्टम अलग तरीके से डेवलप हो रहा होगा, हेल्प डेस्क सपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा होगा, ऑपरेशंस अलग तरीके होंगे, आईटी के ऑपरेशंस वगैरह अलग तरीके से हो रहे होंगे, जो डेटा है वो अलग तरीके से रखा जा रहा होगा, लाइब्रेरियन मतलब रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड करना, उससे मेंटेनेंस करना, डेटा एंट्री के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, सिस्टम ऑपरेटर होंगे, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे वो सिस्टम को मेंटेन कर रहे होंगे, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी को देख रहे होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज पासवर्ड वगैरह अगर करना है कि किसको क्या पासवर्ड देना है, क्या एक्सेस राइट्स देना है, ये सारा सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा। जनरली क्या होगा, ये क्लब किए कर दिया जाएगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ क्लब कर दिया जाएगा, या दूसरे के साथ किसी आईटी के ऑपरेशंस के बंदे के साथ क्लब कर दिया जाएगा। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा ये क्लबिंग हो जाएगी, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, सिस्टम एनालिस्ट अलग होगा। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग आईटी पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। थैंक्स।